पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है, ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित है। आज हमारी बातचीत में इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में तालमेल लाने और हमारी भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि काउंटर टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है।